हाँ जी, आप तो भाई अभी आए बेटे। रोजी बेटे, अब इनको आंटी नहीं मम्मी कहा करो, ये तुम्हारी होने वाली सास है। सास? ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ बेटी, तेरी और अमर की शादी मेरे रोम जाने से पहले ही हम लोग तय कर चुके हैं। डैडी, भैया की शादी मुझसे? भैया, ये क्या कह रही हो? हाँ आंटी, मेरी नजर में अमर पहले भी मेरा भाई था, अब भी है। रोजी, तुम्हें ये शादी मंजूर नहीं? डैडी, आप तो गैरों को भी उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ करने पर मजबूर नहीं करते। आपने अपने बेटे के दिल का हाल जाने बगैर शादी कैसे तय करती? मुझे पूरा भरोसा था कि जो भी फैसला मैं करूंगा तुम्हें मंजूर होगा बेटी। रोजी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी बात करोगी। इस शादी के ऊपर ही मैंने अपनी आशाओं के बहुत से महल बनाए थे। बेटी, क्या तुम अपना फैसला बदल नहीं सकती? आपके मन की इच्छा पूरी नहीं कर रही हूँ, इसलिए माफी चाहती हूँ। शादी मेरी जिंदगी का सवाल है, मैं इस मामले में कोई गलत कदम नहीं उठा सकती। रोजी बिटिया, तुम क्या समझती हो ये लोग तुम्हारा जीवन बर्बाद करना चाहते हैं? तुम्हारी भलाई के लिए ही ये शादी तय की है, अच्छी तरह सोच विचार कर लो। गोपाल काका, मेरी बुराई और भलाई के बारे में सोचने का अधिकार सिर्फ मेरे डैडी को है। डैडी, आंटी मुझे माफ कर दीजिए।